तो ये हमारा सेवेंथ नंबर पार्ट है, सेवेंथ नंबर सॉरी सिक्स नंबर पार्ट है। तो हम लोग 6 तक हम लोग डिफरेंस हम लोग बता चुके थे, इसमें 6 तक हम लोग डिफरेंस इसमें बता चुके थे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आज सातवां नंबर के बारे में बात करने वाले हैं कि सातवां नंबर हमारा पॉइंट क्या रहने वाला है और क्या होता है। तो इसको पहले हम ऊपर से क्लीन कर देते हैं, ये सब आपको पिछले लेक्चर में ही मिल चुका होगा। तो सेवेंथ नंबर से हमें बताना है, सेवेंथ नंबर डायरेक्ट हम चलने वाले हैं, ये सब को भूल जाएंगे। और आपको तो याद ही रखना है, ये सब आप रिवाइज करते रहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सेवेंथ नंबर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सातवां नंबर हमारा नोट पॉइंट क्या है कि सातवां नंबर हमारा नोट पॉइंट कहता है कि डिस्टेंस यानी कि दूरी बटा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस बटा डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी बटा विस्थापन। जो इसका रेशियो है आप खुद सोच करके बताइए कि इसका रेशियो क्या हो सकता है। तो हम बताएं, आप बताइए, तब तक हम वेट करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या हो सकता है? तो इसका जो रेशियो है वह बड़ा और बराबर हो सकता है किससे? एक से। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस जो है वह हमारा बड़ा होगा और डिस्प्लेसमेंट जो है वह हमारा छोटा होगा। और उसके बाद आठवें नंबर पॉइंट पे चलेंगे तो दोनों पॉइंट को लिंक करेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉरी, हमारा एट नंबर पॉइंट क्या है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस यानी कि विस्थापन बता बटा विस्थापन विस्थापन बटा दूरी। यानी अब इसका रेशियो क्या ऐसा हो सकता है? तो यह कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों? अब सिंपल आप देखिए, हम सॉल्यूशन से दिखाने वाले हैं, जो हमने पीछे बताया था उसी से हम लोग लिंक कर देंगे और यह आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ पे। बस थोड़ा सा इसको लिंक करेंगे पीछे वाले से और आपका काम हो जाएगा। तो लिंक देखिए कैसे हम करने वाले हैं। तो चलिए हम इसको सेवेंथ नंबर को हम लिंक करते हैं। तो सेवेंथ नंबर को हम लिंक करते हैं, उससे एट आ जाएगा भी। तो डिस्टेंस को जैसे बस जस का तस उतार देंगे यहाँ पे हमारा, तो हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। और हम इसको साइन को भी ऐसे रहने देंगे और वन को वन ही रहने देंगे। और यह इधर डिवाइड में है तो डिवाइड में है, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे। तो क्या देख सकते हैं कि वन इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट ही हो गया। तो कहने का मतलब डिस्टेंस यानी कि दूरी जो है वो हमारा बड़ा और बराबर हो सकता है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। यानी कि किससे हमारा हो सकता है बड़ा? तो वह बड़ा हो सकता है किससे? वह बड़ा हो सकता है हमारा विस्थापन से। यानी कहने का मतलब यह, तो हम आपको पहले से ही मालूम है कि डिस्टेंस जो है वह डिस्प्लेसमेंट से बड़ा और बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि यह नहीं होगा, यह 100% सही है। बट यह वाला हमारा रॉन्ग था, इसको हम प्रूफ करते हैं कि यह रॉन्ग हमारा क्यों था। तो चलते हैं इसको हम प्रूफ करने के लिए, आठवां नंबर को। ऐसे तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे मतलब वह गलत है और कैसे ये सही है, बट इसको भी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे समय। बस ये क्या हो गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए कि हमारा डिस्प्लेसमेंट है और साइन जैसे का तैसे रह जाएगा और वन इंटू और यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो वन को हम यहाँ से हटाने वाले हैं तो क्या हमारा आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टेंस। क्या लगता है आपको, यह कंडीशन सही लगता है? जी नहीं, इसमें एक कंडीशन तो आपका सही है कि इक्वल टू हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है यानी कि विस्थापन जो है वह हमारा डिस्टेंस से बड़ा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट सॉरी डिस्टेंस सॉरी देखिए, डिस्प्लेसमेंट जो है वह डिस्टेंस के इक्वल इक्वल के पहले बात करते हैं, तो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वह कंडीशन पे डिपेंड करेगा। बट जो ये ग्रेटर देन वाला जो केस है यह तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो कहने का मतलब हमारा यही हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जो है वह कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। तो यही हमारा टॉपिक था, इसके बाद हम इसको क्लीन करने वाले हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं हम आपको, इसको क्लीन कर दिया, एक बार फिर से हम रिवाइज करा देते हैं आपको। तो रिवाइज कराते हैं, फर्स्ट नंबर हमारा क्या था कि डिस्टेंस, सॉरी दोनों का डिफिनेशन देखते हैं उसके बाद आगे चलते हैं। तो डिस्टेंस का हमारा क्या था कि जो शॉर्टेस्ट डिस्ट सॉरी पहले डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में जो निकटतम दूरी होगा या फिर जो सबसे कम दूरी सबसे छोटा दूरी होगा उसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और डिस्टेंस की बात करें तो वह जो छोटा छोटा नहीं
जो पाथ होगा, जो जितना पाथ हम ट्रेवल करेंगे इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे जाने के लिए, चाहे वो हम ऐसे घूम के जाए, चाहे हम घूमते 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 आराम से मस्ती में जाए, तो वही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, सॉरी हमारा डिस्टेंस हो गया, वो हमारा डिस्टेंस का हो गया। तो और इसमें बात करें थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर हमारा क्या था, थर्ड नंबर हमारा था कि डिस्टेंस जो है वह एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि वह अदिश राशि है, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वह हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह वेक्टर होता है, यानी कि उसमें मैग्नीट्यूड प्लस में प्लस और डायरेक्शन भी होता है, यानी कि दोनों होता है। जैसा कि हम लोग पीछे ही देखे थे कि इधर से इधर इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ जाता है, तो वह एक डायरेक्शन को लेकर के चलता है। तो कहने का मतलब हमारा वही था। और फिर बात करें तो डिस्टेंस जो है वह डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और इक्वल तो इक्वल के लिए कोई कंडीशन ही नहीं है, वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट डिस्प्लेसमेंट जो है यानी कि विस्थापन जो है वह कभी भी विस्थापन जो है वह कभी भी यानी कि विस्थापन जो है वह कभी भी दूरी से यानी कि डिस्टेंस से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, इक्वल टू हो सकता है, वह कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि ऐसा हो कि ए पॉइंट हो और बी पॉइंट हो, तो कोई बच्चा जो है वह ऐसे जाए और दूसरा बच्चा भी है वह ऐसे ही जाए, तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो गया, इक्वल हो गया। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि इक्वल वाले कैसे हम बता रहे हैं, तो इक्वल वाला ऐसे हो गया। और हमारा जो रेशियो वाला बात करें तो रेशियो वाला भी सिंपल है, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट जो है वह ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यानी हो भी सकता है, सॉरी ऑलवेज नहीं, वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कौन सा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, यानी कि दूरी तथा विस्थापन का रेशियो। और लास्ट नंबर पॉइंट हमारा क्या था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो वह बड़ा तो कभी नहीं हो सकता, बड़ा कभी हो ही नहीं सकता, किससे? वन से। हाँ इक्वल टू हो जाए वो अलग बात है, क्योंकि अगर सेम हो जाएगा तो वह दोनों को काट करके वन आ जाएगा, और इक्वल टू वन यानी एक के बराबर आ जाएगा, वो कब होगा? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहेगा। तो फ्रेंड्स यहीं तक हमारा आज का वीडियो था। इससे पहले हम बता दें आपको कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को हमारे लाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, आगे हम बात करने वाले हैं, शायद इसके बाद स्पीड हमारा टॉपिक होगा, तो स्पीड में हम पढ़ने वाले स्पीड स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो वह भी इसमें भी देखिए, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी और ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी, तो बहुत मजेदार आगे आगे टॉपिक आने वाला है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।